आपकी दुकान स्टोर में रखे सामान का पूरा खाता तैयार करने तक। बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान। केंद्र सरकार अब प्राकृतिक खेती के साथ साथ फसल विविधीकरण पर भी फोकस करने जा रही है। नीति आयोग की बैठक में निकले निचोड़ से ये पता चल गया है, इसलिए अब राज्य सरकार केंद्र को ये बताने में जुट गई है कि इस दिशा में उन्होंने कितना काम किया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बताया कि ITC, पतंजलि और देहात जैसी प्राइवेट कंपनियों से 1.86 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कृषि विविधीकरण करने के 13 प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 2 प्रस्तावों को स्वीकृति दे दी गई है। वहीं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फसल विविधीकरण दृष्टिकोण से प्रेरणा लेते हुए प्रदेश में सरसों और ग्रीष्मकालीन मूंग के रकबे में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश में मूंग और धान के स्थान पर कृषि विविधीकरण प्रोत्साहन योजना के माध्यम से दाल, रागी, जौ, मोटे अनाज, कोदो, कुटकी, राम तिल, तिल मसाले, औद्योगिक फसलें और बता दें कि फलों और सब्जियों के उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। चौहान ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा देवान्य योजना प्रारंभ की गई है, जिनमें 3 वर्षों में 10,000 हेक्टेयर भूमि में औद्योगिक पौधों का उत्पादन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पिछले 5 साल में प्रदेश में 11,000 हेक्टेयर क्षेत्रफल में मिशन मोड में बांस उत्पादन किया गया है। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश में राज्य प्राकृतिक कृषि बोर्ड का गठन किया गया है। खेती में आधुनिक तकनीक के उपयोग के बारे में जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री चौहान ने बताया कि फसल बीमा रजिस्ट्रेशन को राज्य के लैंड रिकॉर्ड से जोड़ा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, मार्केट टाइम्स टीवी। आपके ग्राहक की खुशी से आपकी दुकान पर ग्राहक को लाने तक बिग ब्लेस, हर कारोबारी की खुशियों की चाबी, खुशियों की अपनी दुकान।